हेलो एंड वेलकम बैक टू अंजलि किचन। आज हम बनाएंगे सीताफल बासुंदी, जो कि एक स्वीट डिश है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट है जो बासुंदी का टेस्ट और भी बढ़ा देगा। तो सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई गरम करने रखेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिससे कि दूध नीचे चिपके नहीं। अब इसमें हम 2 लीटर दूध निकालेंगे। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, तपेली का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कढ़ाई में सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो बासुंदी अच्छे से तैयार होगी। गोकुल का क्रीम वाला दूध इस्तेमाल किया हुआ है। अभी पहला उबाला आने तक तेज आंच पे रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि मलाई तैयार ना हो पाए। दूध में पहला उबाला आ गया है तो गैस धीमी आंच पे करके इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच गरम दूध में 1/4 चम्मच केसर और 1 चुटकी हल्दी डाल के अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे बासुंदी वाले दूध में डाल देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और मीडियम आंच पे अच्छे से पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर 1/2 चम्मच। स्वीट डिश में इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे गाढ़ेपन के लिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर, 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से गाढ़ापन भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिला लेते हैं और शक्कर डालेंगे 1/2 कटोरी। शक्कर आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने मिल्क पाउडर डाला है इसलिए शक्कर थोड़ी कम डाली है। अभी शक्कर को भी अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा मीडियम आंच पे इसे उबलने देते हैं, 10-15 मिनट इसे अच्छे से उबलने दे। अब इसमें हम डालते हैं एक खास इंग्रेडिएंट जो है सौंफ। जी हाँ, 1/4 चम्मच यहाँ पे सौंफ डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सौंफ को थोड़ा भून ले और उसको बारीक पीस ले। अभी दूध को और 15 मिनट उबलने दे, बीच बीच में चलाते रहे जिससे कि मलाई तैयार ना हो पाए। देखिए यहाँ पे दूध कितना कम हो चुका है, 2 लीटर का 1.5 लीटर हो चुका है। इसे बनाने के लिए मैंने पूरा 1/2 घंटा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से बादाम और काजू। तो देखिए यहाँ पे हमारे डिलीशियस बासुंदी बनके तैयार हो चुके हैं। अभी गैस बंद करके इसे ठंडा करने रखते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए और रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सीताफल 4 बड़े चम्मच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। सजावट कर लेते हैं काजू बादाम से। बासुंदी बना के आप 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो और उसके बाद इसे पियो, ये बहुत टेस्टी लगती है और 1 दिन के बाद तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मेरी ऐसी और रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए अंजलि किचन। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।